हे व्हाट्स अप गेमिंग आर्मी, वेलकम टू गेमिंग्स प्रो। तो यार अग्रेसिव खेल के तो बहुत चिकन डिनर गवा दिया इस सीज़न में मैंने, लेकिन आज मूड बना के आया था कि बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं खेलूँगा और मस्त एकदम जॉर्जिया पूल में उतरा और बिल्कुल जैसे लोग खेलते पेशेंस रख के वैसे ही खेलूँगा। यहाँ पे फिलहाल गन तो मिल गई है, मन तो कर रहा है रश कर दें लेकिन थोड़ा सा सब्र किया। इतना मुझे सामने एक बंदा दिखा लेकिन मैंने सोचा पहले बैरल उठाते हैं देन उस पर फायर करेंगे, लेकिन यार वहाँ पे जो है एक ग्रिल सी टाइप की थी तो बच गया वो। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे को, बहुत लोग उतरे हैं, मैंने ऊपर से देख लिया था काफ़ी लोग उतरे हैं जॉर्जिया पूल में, और आखिर तक जाएंगे बिल्कुल सेफ खेल के, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं खेलेंगे, जो फाइट कर रहा है उसको करने देंगे बिंदास, हम तो अपनी एकदम चिल मारेंगे गेम में। फिलहाल गॉडल प्रथम नाम का एक लड़का है जिसने 3-4 लोगों को उड़ा दिया यहाँ पे आते ही, बच के रहना पड़ेगा उससे, और यहाँ पे जो है कोई और चांस नहीं है बचने का, तो मेरे पास बैग वैग भी कुछ नहीं है, मेरे को आगे तो जाना पड़ेगा यहाँ पे। फिलहाल एक बंदा मुझे दिखा था अभी, तो वो बेचारा जो है गॉडल प्रथम के साथ शायद फाइट करने में लगा हुआ था, मैंने मार दिया उसको पीछे से, और अभी जो है मेरी लोकेशन रिवील हो गई है। और ये देखिए किल फील्ड में भाई ये बंदा पहले पड़ा है सबको, तो फिलहाल समझदारी इसी में होगी यहाँ से निकल लिया जाए, क्योंकि हम वैसे भी किल के लिए नहीं जा रहे, बिल्कुल आखिर तक जाएंगे इस मैच में। तो यहाँ पे मैंने अब एक प्लान बनाया है, जो भी जॉर्जिया पूल में आता है वो पक्का जो है गैराज के अंदर गाड़ी लेने आता है जब वो सबको मार देता है। तो मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया कि यहाँ से जो है ये वाली नदी में पार करूँगा एंड ये गाड़ी उठा के मैं जो है डायरेक्ट उस वाले गैराज में जाऊँगा जहाँ पर सब लोग जो है जॉर्जिया पूल से आते हैं गाड़ी लेने के लिए। अब प्लान तो मेरा बहुत बढ़िया था, तो वहाँ पर जो है अगर गॉडल प्रथम बचता है तो उसको मारेंगे ज़रूर वहाँ पर, तो ये सोच के जो है यहाँ से मैंने गाड़ी ली और ब्रिज क्रॉस किया, देन मैं जो है गैराज वाले जगह पे आ गया हूँ जो कि जॉर्जिया पूल के जस्ट नज़दीक हैं जहाँ पे लोग गाड़ी लेने आते हैं। अब यहाँ पे इस बगी को देख के भले मेरी हालत टाइट होगी, यहाँ पे ऑलरेडी बंदा था कैम करके बैठा था एंड जस्ट एक और गाड़ी यहाँ पर आई, मेरे को आवाज़ सुनाई दी उसकी, अब ये जो बंदा था यार ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर बंदा है और नीचे कोई भी नहीं है, तो नीचे तो मैं था, ऊपर बंदा था या नहीं वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जो है यहाँ से चला गया इसको मारने के बाद, क्योंकि यहाँ पे दो और गाड़ियाँ रुकी थी, अब कौन किसके साथ लड़ रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने सोचा यार निकल लेने में समझदारी होगी, हमको वैसे भी जो है आखिर तक जाना है, नो अग्रेसिव, जस्ट हम पेशेंस रख के खेलेंगे, सेफ खेलेंगे। अब फिलहाल पूरे मैच में मेरे 2 से 3-4 ही किल रहे थे और लास्ट में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिलहाल जो है ये बंदा मेरे को देखा, और यहाँ पे जो है हल्की सी डील रखी थी मैंने, और जैसे ही हल्की सी डील रखी इसने मेरे को जो है पेल दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन बच गया यहाँ पे मैं, तो निकल लेते हैं यहाँ से। तो ये जो लॉबी है गाइज ये एकदम उन लोगों की लॉबी है जो कि रैंक पुश करते हैं सोलो के अंदर, तो यहाँ पे बहुत बच के खेलना पड़ेगा मेरे को, काफ़ी टफ लोग मिलते हैं आपको आगे आगे जाके जब जब आप जो है टॉप 10 के अंदर जाते हो। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर पहाड़ी पर आ गया हूँ और जस्ट मेरे को एक गाड़ी की आवाज़ आती है पीछे से, और ये गाड़ी उस तरफ से आ रही है मे बी, तो यार ये जो बंदा था इसके पास पक्का Kar 98 और 8X होगा, इसलिए ये यहाँ पे आया था इस वाले पहाड़ी पे, तो मेरे पास भी M24 थी इसलिए मैं भी यहाँ पे आया था। और ये बंदा दिखा मेरे को जिसमें मैंने एक शॉट लिया लेकिन मिस शॉट हो गया, और मेरे को पता ही नहीं चला कि यार जोन कब जो है निकल गया, तो निकलना पड़ेगा जोन के लिए, और टॉप 10 में आ चुका हूँ। अब यहाँ तक तो मेरे सिर्फ 4 ही किल थे, आगे क्या होता है वो आप देखोगे अभी। वो जो बंदा लेटा था उसकी पोजीशन मेरे को पता थी, मैंने सोचा चलो गाड़ी से उसको रोन देंगे हम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार यहाँ पे जो है मेरा थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया उसका लोकेशन, या फिर उसने अपना लोकेशन चेंज कर दिया जिस वजह से जो है हल्का सा वो गाड़ी के नीचे आने से बच गया, लेकिन कोई बात नहीं, अपन ने भी गाड़ी को यू टर्न किया एंड उसका किल तो कन्फर्म कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे जो है 2 घर थे जोन के अंदर और बाकी सब ओपन एरिया, तो इतना तो मालूम था यार सब के सब लोग जो है ओपन में लेटे हैं, सिर्फ 2 लोग ही हैं उन 2 घरों में जो कि सबको पेले पड़े हैं, और चलती गाड़ी पे वो फायर नहीं करेंगे क्योंकि फायर करने के लिए खिड़की पे आना पड़ेगा, और खिड़की पे आएंगे तो ये देखो जैसे ये सांप लेटे हैं ये उनको मार देंगे, तो मेरा काम था इन सांप को कुचलना, और मेरे पे किसी ने भी फायर नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे जो है कहाँ था ये सांप, ओके ये गया। अब यहाँ पे आप देखना कितने सांपों को मैं कुचलता हूँ, 1 हो गया अभी, 2 हो गए हैं,
दोनों दो लोगों को मैंने कुचल दिया है, दो तो दिखे थे मेरे को अभी अभी, हेल्थ काफ़ी कम है। मैंने रिवाइव करने से अच्छा सोचा कि चलो दो चार और कुचल लेते हैं, ऐसा मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा। और अभी जस्ट मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, जब तक गाड़ी में फ्यूल है तब तक जो है गाड़ी में हम ऐसे घूमते रहेंगे। एंड यहाँ पे ये बंदा मेरे को दिखा, ये भी गया तीन बंदे कुचल दिए। और यहाँ मैंने सोचा कि चलो यार रॉक के पास जाके जो है इसको लूट लेता हूँ, फिर देखा कि यार जोन के अंदर नहीं है, तो जोन के अंदर जो भी रॉक हैं जो भी पत्थर हैं वहाँ पे जो है मुझे रुक के हील करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक बंदा था जो कि मुझे दिख गया, ये देखिए डैमेज किया उसने, तो गंदा वाला डैमेज कर दिया था, बहुत कम हेल्थ बची थी। यहाँ पे मैंने जो है उसकी जो रिलोडिंग है उसको ख़त्म होने का वेट किया, क्योंकि एक भी बुलेट लगती तो मेरा जो हाल होता सीधा लॉबी में मिलता मैं, इसलिए मैंने पूरी उसकी बुलेट ख़त्म होने का वेट किया, देन जो है यहाँ पे उसको किल कर दिया मौका पाते ही। अब यहाँ पे जो है मज़ा एकदम लेवल पे बढ़ गया था, पूरा मैच बोरिंग जा रहा था लेकिन आखिर में जो मज़ा आया, मतलब बहुत ही मज़ा, जितने सांपों को मैंने मारा और ये सब सबके सब जो थे ये रैंक पुशर थे, जो रैंक पुश करते हैं सोलो के अंदर, मैं भी कुछ ऐसे ही रैंक पुश किया करता था, तो वहाँ पर भी कुछ यूँ इस प्रकार का जो है मूवमेंट बनता था कि सब लोग जो है लास्ट जोन में 15 से 20 लोग लेटे होते थे, क्योंकि सब रैंक पुश करते थे, कोई किसी पर अटैक नहीं करता था, एंड अगर कोई ज़्यादा करीब आ जाए तब जाके अटैक करते थे। फिलहाल यहाँ पे अचानक मुझे एक बंदा दिखाई दिया, मैंने गाड़ी जो है और जब तक वो कुछ कर पाता मैंने उसको जो है वापस लॉबी में भेज दिया। अब जो है सामने वाले घर में मुझे एक बंदा दिख गया था जिस पे ये जो है लेट के टीपी भी ले रहा था ये पेड़ वाला, तो अब मेरा जो है सारा का सारा फाइट इसी बंदे के साथ था। तो जैसे ही मेरे को दिखा गिली सूट वाला, इसने मेरे पे एम किया था, इसलिए जो है मैं इसको वहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाके नहीं मार सकता था। मैंने सोचा चलो नेट फेंकते हैं, लेकिन नेट फेंकते समय भी दो चीज़ें बहुत ख़राब रहती है मेरी, एक तो टाइमिंग, ये देखिए टाइमिंग बहुत ही ख़राब थी, और दूसरा रहता है यहाँ पे सेंसिटिविटी। दोनों नेट्स में उसको थोड़े थोड़े डैमेज तो हुआ, तो मैंने सोचा चलो यार पुश कर देते हैं। अब यहाँ भी आप देख सकते हो वो बेचारा हील लगा रहा था उसको, क्योंकि बहुत डैमेज हुआ था दोनों नेट से, लेकिन जो भी है मार दिया फाइनली उसको। अब बचे तीन लोग, ऊपर मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा क्योंकि ऊपर जो है कहीं से भी नेट आ सकता है, ओपन में है सब, और मुझे लग रहा था यहाँ पे हील बैटल होगी, इसलिए मैं जो है ऊपर गया। मैंने दोनों क्रेट के जितने भी जो फर्स्ट एड थे सब उठा लिए, देन इतने में एक बंदे ने फायर करके तीसरे बंदे को मार दिया। अब बचे थे सिर्फ दो बंदे, एक मैं और एक वो, उसकी लोकेशन मेरे को रिवील हो गई थी क्योंकि गन साउंड से मैंने पता लगा लिया था। अब यहाँ पे जो है जैसे मुझे वो बंदा दिखा घास में लेटे हुए, बहुत माहिन सा दिखा, लेकिन मैं उसको मार नहीं सकता था क्योंकि उसने मेरे पे जो है एम कर रखा था। अब एम कर रखा तो मैंने सोचा यार चलो नेट फेंकते हैं, लेकिन फिर से मैंने आपको बताया टाइमिंग, यहाँ पे जो है ये नेट में अपने हाथ पे फोड़ बैठा। रियली मैं आपको वहाँ पे जो है एक्चुअली में जो चीज़ हुई वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे जो है मैंने बंदे को देखा, उसने मेरे पे एम कर रखा था। अब यहाँ पे अगर तो मैं पिक करके उसको मारता बड़े आसानी से वो मेरे को मार देता, क्योंकि उसने जस्ट स्कोप ऑन करके पिक कर रखा था मेरे पे। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो नेट फेंकते हैं, और ये पिक करके नेट फेंकेंगे किस दिन काम आएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे पिक किया उस पर नीट नेट फेंकने के लिए, तो मेरा सारा का सारा ध्यान जो है उसी पे था यार कि बिल्कुल सही जगह पे नेट गिरना चाहिए, बिल्कुल सही टाइमिंग पे गिरना चाहिए, जो भी है मैंने टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया कि यार कितने सेकंड लेफ्ट है, नेट को फेंकना भी है भाई। मैं वो जस्ट मैंने उसकी जो है पिन खींची, वो वहाँ पर देखता रहा देखता रहा देखता रहा कि मतलब बंदा जो है कहाँ पर फेंकना है, मेरे को यहाँ पर फेंकना, आगे फेंकना है, पीछे फेंकना है, जो भी है। लेकिन जो भी एक अच्छा खासा जो है मैंने एक चिकन डिनर गवा दिया यहाँ पे, इतना सेफ खेला, आखिर में किल भी मिल गई, ठीक है जो भी है कुचल कुचल के लोगों को, लेकिन फाइनली जाके यार मैं मर ही गया वहाँ पे अपने नेट से। वो भी चलो सामने वाला मारता तो अलग बात थी, खैर जो भी हो मज़ा आया इस गेम में। तो आपको मज़ा आया तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलता हूँ यहाँ पे ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।